हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। 4 एंड 5 आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 5,776 ट्री आर टू बी प्लांटेड इन ए गार्डन इन सच ए वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रूट। फाइंड द नंबर ऑफ रूट। कहता है कि 5,776 ट्री लगाया गया और बिल्कुल स्क्वायर लगाया गया, ठीक है। तो कितने रो उसमें लगेंगे, यानी 5,776 का हमें वर्ग देगा। 7 से करेंगे 7 टाइम मिल जाएगा 49, ये कट जाएगा 17 में से हो जाएगा 8 आएगा और 76 है, ठीक है। इसके बाद क्या यहां रखें, अगर 6 रखते हैं 4 का 36, 3 6 24, 25 26 27, 2 6 और 2 8, बिल्कुल कट जाएगा। क्या सबसे छोटा अंक जोड़ा जाए 269 में टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए 269 में क्या जोड़ा है, तो पहले इसी का अंक निकाल लेते हैं। 1 को 1 से 1 पर मल्टीप्लाई करेंगे 169 जाएगा, ओके। अब ये किससे जाएगा देखते हैं। यदि 6 लगाते हैं तो 6 4 का 36, 3 6 12 और 3 15 आ गया, कट गया 9 में से 6 गया, 3 आ गया, इधर ही आ गया, ये जाएगा नहीं, ठीक है ना। 12 इधर 3, तो हम क्या करेंगे, इसमें पॉइंट देंगे, पॉइंट के बाद कुछ भी जाएगा, लेकिन वो नहीं करना है हमें। इस 16 में एक ऐड कर देना है, 17 कर देना है और 17 का स्क्वायर कर देना है। करते हैं 7 7 49 7 4 8 हमें 289 चाहिए और हमारे पास 269 है, यानी कि 26। अगर 20 को ऐड कर दें तो ये अंक बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड स्क्वायर। स्क्वायर घर में बताना है। अब 5 को 9 का रूट निकालते हैं, 2 से 2 बार मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा बच्चों, 1 को 9 बचेगा, ठीक है ना। 5 क्यू 9 अब किससे जाएगा बच्चों, 3 से 3 बार में करते हैं, 3 का 3 6 बिल्कुल करेंगे, यानी ऊपर आ जाएगा 20। 8 4 1 का अगर निकालते हैं तो बच्चों 3 से नहीं जाएगा, 2 से ही जाएगा, 2 बार, 4 आ गया और इधर भी आ गया 4 4 1। अब क्या करेंगे बच्चों, 9 से अगर करते हैं, 9 81 हाथ लगा, 4 9 36 और 36 में 4 जोड़ेंगे तो ये आ गया, यही आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द क्यूब ऑफ 2। 2 का क्यूब, तो देखो बच्चों क्यूब का मतलब होता है पावर, यानी 2 को 3 बार मल्टीप्लाई, 8 हो गया, ओके। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह का, बहुत ही आसान। व्हाट विल बी द क्यूब ऑफ 6। 6 का क्यूब क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 216 होता है, ओके।